आपका बजट अंडर 35,000 है और आप इस प्राइस में कोई अच्छा सा कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, इस वीडियो में टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप लोग अंडर 35,000 के प्राइस में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर OIS मिल जाएगा जिससे 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा जिसके साथ में गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर डेली लाइफ में फ़ोन के अंदर कोई भी हैवी टास्क करते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेगा। पहला स्मार्टफोन है Realme GT 2। अगर आपको एक कैमरा स्मार्टफोन लेना है, साथ में परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग करने के लिए या फिर कोई हैवी टास्क करने के लिए, तो Realme GT 2 आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन बन जाता है। 6.62 इंचेस का 120Hz का AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, विथ पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, साथ में 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलेगी, जो कि आउटडोर में भी काफ़ी अच्छा से विजेबल हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि क्वालकॉम की तरफ से एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, साथ में 20x तक डिजिटल जूम मिल जाएगा, जिसके साथ में एक अच्छी वीडियो एक अच्छी फोटो वगैरह ले सकते हैं। और इसके कैमरे से कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं और डिटेल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा से कैप्चर कर लेता है, जिससे 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा और इस तरह के कैमरे से भी आप एक अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। 8GB रैम प्लस 128GB के लिए 28799 में परचेस कर सकते हैं। अगला स्मार्टफोन है OnePlus 10R 5G। तो अगर आपको एंड्रॉयड में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना है, साथ में प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा चाहिए और साथ में ऑक्सीजन OS जो होता है उसके अंदर काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलता है। 6.7 इंचेस का 120Hz का फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो HDR10+ का सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 8100 Max का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि MediaTek की तरफ से काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और ये फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, या फिर डे टू डे लाइफ में कोई भी हैवी टास्क फ़ोन के अंदर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का रियर में ट्रिपल कैमरा मिल जाता है और इस तरह के कैमरे से 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है और इस तरह के कैमरे से भी 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैमरा के अंदर मेगापिक्सल कम दिए गए हैं, लेकिन कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। और आपको बता देते हैं कि कैमरा मेगापिक्सल पर ही सिर्फ निर्भर नहीं करता है और साथ में कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर कैमरा सेटअप निर्भर करता है। 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 80W का वोक चार्जिंग का सपोर्ट करता है। तो अगर आपको एंड्रॉयड में एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए तो OnePlus 10R आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन बन जाता है। 8GB प्लस 128GB के लिए 31999 में परचेस कर सकते हैं। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE एडिशन। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा चाहिए, और जनरली अगर देखा जाए तो ऐसे भी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये स्मार्टफोन थोड़ा पुराना है लेकिन अभी भी प्राइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर बेस्ट कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 6.4 इंचेस का डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120Hz डिस्प्ले के साथ में आता है। 1200 की पिक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि आउटडोर में भी काफ़ी अच्छा से विजेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सैमसंग का AMOLED है तो कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग का एक्जाइनोस 2100 का प्रोसेसर मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बेटर मिल जाता है और इस प्रोसेसर के अंदर कैमरे के लिए काफ़ी अच्छा से ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पे कैमरा सेटअप आपको काफ़ी बेटर मिल जाएगा। 12MP प्लस 12MP प्लस 8MP का रियर में ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पे मेगापिक्सल कम दिया गया है मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको कैमरा के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है, लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी वीडियो ले लेता है, कलर्स वगैरह भी काफ़ी नेचुरल आते हैं। 32MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है और इस कैमरे से भी काफ़ी अच्छी सेल्फी काफ़ी अच्छी वीडियो वगैरह ले सकते हैं। 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। 8GB रैम प्लस 128GB के लिए 34950 में परचेस कर सकते हैं। अगर ये स्मार्टफोन ऑफर्स वगैरह में परचेस करते हैं तो कार्ड वगैरह अप्लाई करके ये स्मार्टफोन 31000 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं, और 31000 के प्राइस में ये बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, ये थे अंडर 35,000 के प्राइस में आने वाले टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।